सच अरुण मग देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के स्थापना दिवस पर आज का आयोजन में मंच पर शोभायमान मुख्य अतिथि मेरे मित्र श्री ए के सिंह जी समेत सभी विशिष्ट महानुभाव यहाँ से उपस्थित वरिष्ठ जन मातृशक्ति और साक्षी के वक्ताओं ने अपना रोल पूरा किया और उनके संगीत के विषय के प्रति न्याय किया, इसलिए हमको उसी दिशा में आगे बढ़ना है। पालास्त निरोगी काया, इसी को आधारभूत बनाकर अगली पीढ़ी को हम क्या लेकर जाते हैं, अगली पीढ़ी को क्या हम हवा पानी शुद्ध देकर जाएंगे, क्या नदियों की स्थिति जो हम पाए थे बचपन में क्या हम उसको बेहतर करके दे पाएंगे। ये सब सवाल धीरे धीरे खड़े हो रहे और हो रहे हैं और उसी आधार पर प्रकृति केंद्रित विकास की आवश्यकता, कुछ हमारे प्रयत्नों से कुछ प्रकृति ने उत्पन्न की हुई बाध्यताओं के कारण विषय इन होता है, इसलिए उस दिशा में हम समाधान की दिशा में कोशिशें कर चले। हाँ, गति बढ़ाने की जरूरत है, बात सब तक पहुंचे इसकी विशेष प्रयास की जरूरत है, उसके लिए हम सब में ही सेंस ऑफ मिशन की जरूरत है। हम अपने टास्क में कम पड़ रहे हैं तो अपने मन में तकलीफ होने की जरूरत है, हमारी प्रायोरिटीज के लिए विषय थोड़ा आगे आ जाए उसकी चिंता करने की जरूरत है। जैसे बार बार कहा गया 2030 के बाद रिपेयरेबल हो जाएंगे, पिछले 7 साल में 50% बायोडाइवर्सिटी लॉस हो चुका है, आगे की पीढ़ी डिफॉर्म्ड हैंडीकैप्ड या बीमार पैदा होने की का प्रपोर्शन बढ़ गया है, माल न्यूट्रिशन का असर अलग अलग तरह से अगली पीढ़ी में आ रहा है स्पष्ट हो रहा है, सब उस ढंग की अर्जेंसी पैदा करेंगे। हाँ, फिर भी बाजारवाद की क्रूरता है, अमीरों को लाभ और गरीबों को लोभ देने की कोशिश में और प्रचंड तरीके से लगी, ये भी सत्य है। आपके युग का तकाजा रहेगा कि देश मिटेगा तो बचेगा कौन, देश बचेगा तो मिटेगा कौन, तकाजा ये रहेगा हम अपने दृष्टिकोण में और व्यापकता लाकर व्यक्ति से बड़ा दल लेकिन दल से बड़ा देश, व्यक्ति से बड़ा संगठन संगठन से बड़ा समाज, इस अधिष्ठान पर आ जाए और मानव केंद्रित विकास की बजाय प्रकृति केंद्रित विकास के संदर्भ में छोटे छोटे व्यवहार के प्रयोग करें। जैसे घर में पानी ही पिलाते हैं, एक बार लिया घूंट और पूरा पानी गिलास ऐसे रख दिया फिर उसको फेंका, आधा ही पिला फिर जरूरत पड़ेगी तो और आधा पीने, बिजली की किफायत कर, इससे क्या होगा कि अपनी मनुष्य शक्ति बढ़ेगी, इच्छा शक्ति बढ़ेगी, संकल्प दृढ़ होगा और यही छोटी छोटी बातें संस्कार के रहते से काम आएंगे। ये पहले हम घर में करें, अपने ही द्वारा अपने ही लिए करें कम से कम, तो गति बढ़ेगी। केवल वातावरण बदलने से काम नहीं चलेगा, आचरण में लगा समाज में बदलाव उतना ही आता है जितना बदलाव चाहने वाले अपनी जिंदगी में बदलाव करते हैं, उससे ज्यादा बदलाव नहीं आता। वातावरण तो बदलेगा,
उससे आशा जगी थी, निराशा भी पकड़ी थी, फिर उपायों के प्रति ही अनास्था बनी, इसलिए वो स्थिति नहीं होने देगा। और ये सब करने में एक ही बात आएगी, अपनी उपकरण शुद्धि, अपने को ही बेहतर करना, इक्विप करना, शार्पनेस करना, संकल्प में तोड़ना, प्रियोरिटी सब भी ठीक करना। इस सारे काम के लिए हम और ज्यादा समय कैसे निकाल, स्थितियां अपनी कैसे बेहतर करें, इस स्थिति में सोचना और सबको और जोड़ते जाना, जोड़ कर चलने में जहाँ कोई नहीं वहाँ तो हम करें, जहाँ और भी ये कर रहे हैं तो अपने मन का कोई अहंकार कोई और तत्व बाधक न बने, साथ काम कर रहे हैं। उसके लिए भी जरूरी है अपनी मानसिकता कि छोटे आदमियों से बड़े काम नहीं होते, और बड़ा न पथ पर न प्राचीन पर चलने से कोई बड़ा होता है, बड़ा वही होता है जिसका मन बड़ा होता है। इस आधार पर सोचते चले अपने जीवन के बारे में भी और परिष्कार करते चले। परिष्कार करने का रास्ता होगा सतत प्रयत्न, आत्मनिरीक्षण, भगवत प्रार्थना और फिर प्रयास में लगना। क्योंकि तो समय बाद खुद के ही बारे में लगेगा, हमारे गुण कुछ बढ़े हैं, हमारे दोष कुछ घटे हैं। यही यात्रा ठीक रहेगी सबके लिए। ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, जैसे अभी आरों के साथ काम करना है तो जरूरी है गुण देखें दूसरों का, दोष देखें अपना, हमारे स्वयं के प्रति कठोर कि हमने गलती क्यों की, अन्यों के प्रति उदार, कुछ कारण हो गया हो। ये सब करते हुए श्री किसको मिला किसको नहीं मिला इसका क्या अर्थ रह जाता है। गोल होना चाहिए, हम ही करें जरूरी तो नहीं, गोल पोस्ट के पास कोई और है जो बेहतर स्थिति में गोल कर लेंगे, हम पास क्यों बनते थे, हम ही गोल करें जरूरी नहीं, गोल होना चाहिए। और औरों के लिए रास्ते को थोड़ा सुगम करते चले, हमसे भी आगे, हमसे भी ज्यादा अच्छा, हमसे भी अच्छी तरह कर सके ऐसे लोग तैयार करते चले, उसके लिए ये सब बातें अपनी आवश्यक है। और सब मिलकर ही काम पूरा होगा, अकेले से नहीं होगा, कोई ना करे तो करना ही है। यदि तो डाक सुनने के लिए वाशिंगा जरूरी है, इन और लोग भी कैसे जुड़े, कैसे आगे बढ़े, हम उनके आगे बढ़ने में कहाँ तक मददगार बने, उनकी आवश्यकताएं हमसे ज्यादा है, यह माने उनके प्रति हम उदार हो बने। और ये सब करते समय में दो छोटी बातें और, एक वाणी संयम, अन्यों के साथ काम करना है। चार तरह के लोग होते हैं, एक तो सोचते हैं बोलते नहीं, बोलते नहीं, दूसरे हैं सोचते हैं तब बोलते हैं, तीसरे हैं बोलते हैं तब सोचते हैं अरे क्या बोल गए, चौथे भी कैटेगरी होती है जो बोलते हैं फिर भी सोचते नहीं कि क्या बोल गए। इसमें दूसरी कैटेगरी अपने लिए आवश्यक है, उपयोगी है। उसी प्रकार गुण ग्राहक दृष्टि, अमंत्रम अक्षरो नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तुर्लभ। सभी उपयोगी है, कोई दुरुपयोगी और उपयोगी नहीं है, नहीं हो रहा है। देयर इज नो मेटल व्हिच डज नॉट हैव अ मेल्टिंग पॉइंट, ओनली दैट मच टेम्परेचर इज नीडेड। इफ अ मेटल हैज नॉट मेल्टेड, व्हाट इज नॉट इन दैट मेटल, बट द पॉइंट लाइज हियर that I don't have the proper temperature and heat, तो अपनी तपस्या बढ़ाना यही उसका उपाय रहेगा। इसलिए अपनी साधन शुचिता, अपनी जीवन शुचिता, अपनी तपस्या, ये हमें औरों के साथ काम करने में बेहतर बनाएगी। और एक ही नित्य कर्म सहज कर्म का अनुभव होता चाहिए।
और ये काम करते हुए यहलोक और परलोक दोनों की स्थिति करें कि धृतराष्ट्र में जैसे घर की माँ है वैसे ही प्रकृति से जुड़ना, जमीन जल जल पशु पक्षी कीट पतंग सबसे जुड़ना, सब में उस प्रकार की साइटेटी सेक्रेटनेस ऑफ एग्जिस्टेंस का अनुभव होना तो बहुत बड़ी बात। आभास कम से कम कर रहे हैं, जीना जीना एहसास कम से कम रहे, उनका भी जीने का अधिकार उतना ही है कम से कम जितना मनुष्यों को जीने का अधिकार है। उनके साथ जीना ही जीवन का तरीका रहेगा। इतना हम जान लें तो अपने परिवेश में एक दीप से जले दूसरा, ऐसे अगणित दीप जले इस आधार पर, क्योंकि इमेज ऑफ लाइट उससे नहीं बनती है, उस लाइट की ओरिजिनलिटी और ऊष्मा रहनी पड़ेगी, तभी वो दूसरे दीप को जला पाता है। इसलिए वो अपनी साधन शुचिता उपकरण शुद्धि एक हम जितना कर पाएंगे उतना ही हम योगदान भी फलित कर पाएंगे। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।